हेलो दोस्तों, आज बुक्स और जो उनके ऑथर हैं इसका सेकंड पार्ट है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दे रही हूँ कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे मिक्सअप भी हो जाएगा, बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है। मैं इसे क्या करूँगी, उसके पार्ट को डिवाइड करके 4-5 दिन में इसको पूरा कवर कर दूँगी, ठीक है, इकट्ठे नहीं रखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, पहली जो बुक है द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, वह अरुंधति रॉय की है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी अरुंधति रॉय की बहुत फेमस बुक है, जिसके लिए 1997 में इन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था। मैन बुकर प्राइज़ अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था, और किस बुक के लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। तो फिलहाल यहाँ पे जो बुक है उसका नाम क्या, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, जो कि अरुंधति रॉय की है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ, किसकी, शशि थरूर की है। इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ शशि थरूर की। नेक्स्ट पे आते हैं गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक, रतन टाटा की। गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक किसकी, रतन टाटा की। नेक्स्ट पे आते हैं वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह की। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ किसकी, नटवर सिंह की है। नेक्स्ट पे आते हैं अटल जी ने कहा, ब्रजेंद्र ही की है। अटल जी ने कहा किसकी है, ब्रजेंद्र रही की है। नेक्स्ट पे आते हैं मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, ये वेंकैया नायडू की, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। इसे पीएम ने रिलीज़ किया, और इस पीएम ने हाल ही में, मतलब लेटेस्ट ही बुक है सब, पीएम ने इसे हाल ही में रिलीज़ किया था। और इसमें वेंकैया नायडू ने अपने एक साल के अनुभवों का साझा किया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में सामने आई जो अहम घटनाएं हैं उसमें इसमें इन्होंने नायडू जी ने उल्लेख किया। तो पीएम जी ने इसे क्या किया, रिलीज़ किया। नायडू जी ने क्या किया है, इसमें अपने एक साल के अनुभवों को साझा किया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में जो सामने अहम घटनाएं आती हैं उसमें इसमें इन्होंने उल्लेख किया है। तो मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस नायडू जी की है। सरदार पटेल यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया, सरदार पटेल यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसकी, आरएनपी सिंह की। इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट बुक्स आ रही हैं। फियर ट्रंप इन व्हाइट हाउस, फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस किसकी है, बॉब वुडवर्ड की है। फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस बॉब वुडवर्ड के। नेक्स्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, स्टैगरिंग फॉरवर्ड नरेंद्र मोदी एंड इंडियाज ग्लोबल एम्बिशन। स्टैगरिंग फॉरवर्ड नरेंद्र मोदी एंड इंडियाज ग्लोबल एम्बिशन, भरत कर्नाड की है, भरत कर्नाड की। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एंड आइडेशनल प्रोजेक्ट, श्री विद्युत चक्रवर्ती के, रिलीज बाय वेंकैया नायडू, ठीक है, उपराष्ट्रपति नायडू जी ने इसे रिलीज किया है। और किसकी द्वारा लिखित है, विद्युत चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एंड आइडेशनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है द रूल ब्रेकर्स, द रूल ब्रेकर्स किसकी, प्रीति सुनाई की है। द रूल ब्रेकर्स है प्रीति सुनाई की। नेक्स्ट पे आते द सिरसा ऑफ कारगिल, दीपक सुराना की है। द सिरसा ऑफ कारगिल दीपक सुराना की है। नेक्स्ट पे आते विनिंग लाइक सौरव, थिंकिंग एंड सक्सेस लाइक गांगोली, अभिरूप भट्टाचार्य की। अभिरूप भट्टाचार्य की और भी बुक है, उसको नेक्स्ट में ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये इस तरह की बुक ही लिखते हैं जो लाइक करके दो डबलिंग करके। तो विनिंग लाइक सौरव, थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगोली, ठीक है, तो ये किसकी, अभिरूप भट्टाचार्य की। विनिंग लाइक सौरव, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली, अभिरूप भट्टाचार्य के। द सीर्स ऑफ कारगिल दीपक सुराना की है। द रूल ब्रेकर्स किसकी, प्रीति सुनाई की है। और क्या बोला, कंस्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एंड आइडेशनल प्रोजेक्ट किसकी, श्री विद्युत चक्रवर्ती की है। नायडू जी ने इसे रिलीज़ किया था। स्टैगरिंग फॉरवर्ड नरेंद्र मोदी एंड इंडियाज ग्लोबल एम्बिशन किसकी, भरत कर्नाड की बताइए। फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस बॉब वुडवर्ड की बताइए। सरदार पटेल यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया आरएनपी सिंह की है। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ईयर इन ऑफिस नायडू जी की है। वाइस प्रेसिडेंट अटल जी ने कहा, ब्रजेंद्र रेही की है। वन लाइफ इज़ नॉट इन नटवर सिंह की है। गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक रतन टाटा की है। इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ शशि थरूर की है। और हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु अरुंधति राय की है। ओके, तो ये तो हो गई लेटेस्ट बुक। अब दो तीन जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक है आपको मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, रोज की तरह ऐसे रिवीजन आप कर लीजिए। तो जैसे इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल किसकी, सुभाष चंद्र बोस की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन स्ट्रगल किसकी, सुभाष चंद्र बोस की है। आ नेशन इन मेकिंग, आ नेशन इन मेकिंग किसकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। इंडियन स्ट्रगल मैंने किसकी बोली, सुभाष चंद्र बोस की है। अ नेशन इन मेकिंग किसकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है, ठीक है। ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वर्ड ऑफ टाइम एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्या क्या बोला मैंने, ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वर्ड ऑफ टाइम एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसकी, सरोजनी नायडू की है, ठीक है। ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी, सरोजनी नायडू की है। ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन, ईस्ट एंड वेस्ट का जो रिलीजन है उसके बारे में बोला, तो ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन किसकी, डॉक्टर राधा कृष्णन की है। तो ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन राधा कृष्णन की बुक है। भारत, इंपॉर्टेंट बुक जो मैं बोलने जा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, भारत विभाजन के गुनहगार, भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया। तो ऐसे याद, पूरा एक सेंटेंस याद कर लीजिए, भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया।
खिलाड़ी है नहीं गुनहगार, इन्होंने बुक लिखी है भारत विभाजन के गुनहगार। जो बुक है वो किसकी, राम मनोहर लोहिया की है। इंडियन मुसलमान किसकी, हंटर विलियम की है। इंडियन मुसलमान हंटर विलियम की है। और इंडियन अनरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियन अनरेस्ट किसकी, वेलेंटाइन सिरोल की है। इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल की है, सिरोल की। और कौन सी मैंने बोली, इंडियन स्ट्रगल किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। अनेशन इन मेकिंग किसकी, सूर्यनाथ बनर्जी की है। ब्रोकिंग विंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वर्ड ऑफ टाइम एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी, सरोजिनी नायडू की है। ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन राधाकृष्णन की, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन डॉक्टर राधाकृष्णन की। भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया की है। इंडियन मुसलमान हंटर विलियम की है। और इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल की है। ठीक है, तो इसी तरीके जो लेटेस्ट बुकिंग वो और जो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है वो दोनों ही आप कवर करते चलोगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं।